PSS 632 Lesson 41 मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, वही पिछला टॉपिक कंटिन्यू है। फैमिली काउंसलिंग कह रहे कि लीनियर थिंकिंग इन द फैमिली काउंसलिंग इज़ प्रोहिबिटेड। ए इज़ कॉजिंग बी और बी इज़ कॉजिंग ए, ये एक लीनियर थिंकिंग है। ऐसा नहीं करना। हम सब लोगों के इंटरेक्शंस को देखते हैं, इनके डायनेमिक्स को और इनके रिएक्शंस को देखते हैं। इंटरेक्शंस के जो है हम के इजहार को देखते हैं, किस तरह वो किस पैटर्न को देखते हैं, किस तरह वो इंटरेक्ट करते हैं। गोल्स क्या हैं कि फैमिली के दरमियान कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना और इंडिविजुअल इश्यूज के बजाय जॉइंट प्रॉब्लम पर फोकस करना। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन फैमिली थेरापी, फैमिली थेरापी फोकस ऑन कम्युनिकेशन इश्यूज विद फैमिली एंड ट्राई टू सॉल्व देम। मसाइल जो हैं वो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से आ सकते हैं, इसमें फैमिली मेम्बर्स के दरमियान इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज और फीडबैक को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इश्यूज़ लाइक ड्रग अब्यूज़, एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसके अलावा कह रहा है कि मैरिज इश्यूज़, इंडिविजुअल इश्यूज़ की बजाय कलेक्टिव इश्यूज़ पर फोकस करके इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। सर्कुलर कॉजलिटी वर्सेस लीनियर थिंकिंग, सर्कुलर के अंदर वही कह रहा है कि ए इज़ कॉजिंग बी एंड बी इज़ कॉजिंग ई, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम जो हैं वो क्या है कि एक दूसरे के इंटरेक्शन को देखते हैं, फैमिली के मेंबर्स के इंटरेक्शन को देखते हैं, इनके डायनेमिक्स को देखते हैं। लीनियर नहीं होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। कंसेप्ट रिलेटेड टू सर्कुलर कॉजलिटी, नॉन सिमेट्रिविटी कह रहे हैं कि फैमिली कंबाइन ज़्यादातर बेहतर परफॉर्म करती हैं बजाय इंडिविजुअली, इंडिविजुअल एक्शंस की बजाय फैमिली के पैटर्न्स को देखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इकोफाइनलिटी, एक ही डिज़ास्टर मुख्तलिफ फैमिलीज़ को मुख्तलिफ तरह से अफेक्ट करता है, इसलिए डिज़ास्टर की बजाय फैमिली के पैटर्न पर फोकस किया जाए। कम्युनिकेशन, मैसेजेस हैव फैक्ट एंड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स, और ये दोनों ही फैमिलीज़ में अहम हैं। फैमिली रूल्स, मुख्तलिफ फैमिलीज़ में कामों के लिए रूल्स होते हैं, थेरापिस्ट ज़रूरत के मुताबिक नए रूल्स जो है वो इनमें इंट्रोड्यूस करवा सकता है। मोर्फोजेनेसिस, फैमिली ख़ुद को नई ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करती है और उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को तब्दील कर सकती है। होमोस्टेसिस, स्टेबल फैमिलीज जो हैं, फैमिली स्टेबल शक्ल होती हैं, शक्ल में होती हैं, लेकिन जब वक्त एडजस्ट करने की, जिस वक्त एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है वो अपनी फॉर्म को चेंज भी कर सकती हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फैमिली थेरापी, ये इन सब फॉर्म्स को वन बाई वन डिटेल से देखते हैं। साइकोएनालिटिक फैमिली काउंसलिंग, इट इज़ डिफरेंट फ्राम ट्रेडिशनल साइकोडाइनमिक अप्रोच बिकॉज इट फोकस ऑन फैमिली नॉट इंडिविजुअल। इट एम्स टू इम्प्रूव फैमिली रिलेशनशिप बाई चेंजिंग देयर इंट्रैक्शन। इसमें कह रहे हैं कि अर्ली चाइल्ड पेरेंट रिलेशन, प्रेजेंट पेरेंट के जो है रिलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें काउंसलर्स मेंबर की मदद करते हैं कि वो अपने पास के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें ताकि रिलेशन जो हैं वो इनके मेंबर्स के आपस में अच्छे हों। स्ट्रक्चरल फैमिली काउंसलिंग, द मेन फोकस इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर। इसको आइडेंटिफाई करके इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। काउंसलर इन कह रहा है कि इनको ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह बात करते हैं, देखने का अंदाज़ क्या है, ये सब जो है वो ऑब्ज़र्व करता है और देखता है कि कहां कहां पर चेंजेस की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक फैमिली काउंसलिंग फोकसेस ऑन सम स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व देम। इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसे प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें जो बिहेवियर पहले इनवॉलेंट्रीली हुआ होता है उसको काउंसलर के सामने वॉलेंट्री करने को कहा जाता है।
सॉल्यूशन फोकस्ड फैमिली काउंसलिंग, इसमें हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। इसमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देखा जाता है जो पहले मौजूद नहीं होते इंग्लैंड में, लेकिन किसी सूरत में इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो कह रहा है कि चेंजेस इनकी लाइफ में आती हैं क्लाइंट्स की, और उनको कह रहा है कि एडवांस में ही उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाती है। वैराइटीज़ ऑफ फैमिली काउंसलिंग, इसके अंदर कंजॉइंट फैमिली काउंसलिंग है, व्हेन काउंसलर डील विद ऑल फैमिली मेंबर्स टुगेदर। कंकरेंट फैमिली मेंबर्स के अंदर एक काउंसलर अलग अलग फैमिली मेंबर से डील करता है बारी बारी, और कोलैबोरेटिव में मुख्तलिफ काउंसलर जो हैं मुख्तलिफ फैमिली मेंबर्स के साथ डील करते हैं। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले इस चीज़ को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।